मैं अभी नहीं मिल रहा हूँ, फिर भी मुंह हो रहा है, देखो कैसे जीते नील रहा है हिला रहे। तो वहाँ जो एक बाबा फूक रहे हैं वो बहुत समय से फूकते हैं, वैसे ही पहले उधर फूकते थे, अभी यहाँ पे फूक रहे हैं। तो हमारे भारत की भूमि पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यहाँ से ध्वनि निकल रही है, वो भी शंख की ध्वनि, और वो भी जमीन में फूक मारते हैं, जमीन में इन्होंने कुछ बनाया हुआ होगा, उससे ये धरती माता से ये आवाज आ रही है। जय हो मैन पहाट। So, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन के लिए रुके। तो ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर आने के बाद जो मैन पार्ट का यात्रा है हमारा कंप्लीट होता है, समझो मतलब सफल होता है। सुबह के 5 बज रहे हैं, 4:30 बजे ही नींद खुल गई थी, फ्रेश होली है, अभी मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। जय बजरंगबली। ठंडा रोज ऐसे ही रहता है, रोज ऐसे फटे रहता है अभी ठंडा। कैसा लग रहा है तेरे को रायपुर के वैसे ठंडे यहाँ पे? भाई बहुत ज्यादा ठंड है, मैं इनर्स पहन लिया, वो वाले इनर्स जो लद्दाख स्पीति में यूज करता हूँ मैं, वही उसके बाद भी जड़ा रहा होगा तेरे को, उसके बाद भी ठंड लग रही है। तो ऐसा कुछ ठंडा है बाघबहार में, और अभी तो बाहर निकलेंगे और फटेगी ठंड में, क्योंकि अभी तो रूम के अंदर ही है ना, हल्का सा सिर्फ दरवाजा खुला है, बाहर देखते हैं कैसा है ठंड। थोड़ा सा साफ सफाई और कराना पड़ेगा यहाँ पर, और ठंडा ठीक ठाक लगेगा। कैसा लगा? मस्त, बेहतरीन। उधर छोटा सा मंदिर, आवाज आ रहा है भाई, बजरंगबली भी है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। थोड़ी ही देर में सनराइज होने वाली है, हम लोग लगभग आधे घंटे 45 मिनट से वॉक कर रहे हैं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर कर चुके हैं। आप बैठ के अभी एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, कपाल भाती क्रिया, कपाल भाती लोम विलोम भी करेंगे एक्सरसाइज के साथ साथ। सूर्योदय हो चुका है, सूर्य नमस्कार कर लिए और अब चलते हैं वापस। कैसा लग रहा है उसको देख ले ढंग से भी? बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। ये बात सत्य है कि मैं इसको जो दिखा रहा हूँ ये मैं कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये जहाँ पे रहता है इसका जहाँ पे घर है, पावरफुल घर है, एरिया है जो तेरा, वहाँ पे पीछे तरफ इसके ठीक घेरा के पीछे मैनी नदी बहता है भाई, मैनी नदी। चलेंगे देखने, आज चलेंगे, छोटा मोटा बात नहीं है, इसका ये घेरा समाप्त और घेरा में हम लोग जब खड़े होंगे ना तो मैनी नदी का विराट दर्शन होता है। आप लोग को भी दिखाएंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। अबे यहाँ को देख तू, ये एकदम खूबसूरत, ये ना पेंटिंग वाला दृश्य हो गया, नीचे खेत, ऊपर सूरज उगता हुआ, फिर पहाड़ियाँ, पेड़, और बीच में 2-4 चिड़िया उड़ रही है। हाँ, वो उड़ के चली गई, उस समय हम लोग मोबाइल को गलती से स्टार्ट नहीं कर पाए, उसके बाद स्टार्ट किए हैं। भाई ये तो पूरा एकदम नेचुरल वाला वॉलपेपर वाला जगह है ये, है ना? मैं इतने साल यहाँ रहा हूँ लेकिन आज देख रहा हूँ इसको मैं। सोच तू, तू दिखा इसीलिए देख लिया। ओ यार मैं दिखाता हूँ, बढ़िया से देखना, करना चाहिए। ये देख सुंदरता दिया है, वो खुद अपने हाथ से अदरक दिए है, वहाँ जाके बनवा लीजिए, मेरा चूल्हा अभी नहीं जल रहा, ये गांव होता है, कोयला कोयला लगेगा, तो अदरक का व्यवस्था करके जा रहे हैं हम लोग, और गैस में बनवाएंगे। ले सिकंदर चाय पिला, बड़ा परमानंद में है तू। ये देख सामने मैना, देख मैना, अच्छा लगा, अच्छा लगा। चाय पीने के लिए आए थे हम लोग, तो मैं देखा कि मनोज भैया दुकान खोल रहे हैं, तो मैं आ गया मिलने के लिए। क्या हाल चाल मनोज भैया? ठीक है सर, आप बताइए। मैं पुराने वीडियो में देखे होंगे यहाँ पे एक खप्पर की दुकान हुआ करती थी, आजकल तो बढ़िया मस्त शोरूम बन गया है। A few moments later, जय हो। खुश रह बेटा, खुश रह, खुश रह, खुश रह। आ रहे थे तो दिन फोन में भी बात हुआ था, तो बाथरूम गया था तो यही उठाई थी, तो नमस्ते ताऊ भी बोली थी। तो आते हैं हम लोग, इसका भी घर भी देख लेते हैं, घर देख के आ रहे हैं, माकर चुमा का घर देख के। अब वो वक्त आ गया है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गाँव मेरा घर देखने के लिए। चल जितेन बैठ पीछे। ये है सरदार बोध सिंह स्टेडियम बागबहार, यहीं पे होता है ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता, और बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं यहाँ पे। और भाई जितेन बहुत मस्त लग रहा है बे, घर जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर जा रहा हूँ मेरे माकड़सी वाला रोड, इसमें मैं हजारों बार चला हूँ, कभी पैदल चला हूँ, कभी साइकिल में चला हूँ, कभी बुखार में चला हूँ, कभी खुशी में चला हूँ, कभी दुख में चला हूँ बे इस रास्ते में। ये हम लोग पहुँच गए बसंतपुर, और यहाँ से ओनली 4 किलोमीटर मोर। आप लोग भी बहुत दिन से नहीं देखे हो, आज आप लोग भी देख लो घर, वैसे घर टूट गया है अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको बनवाएंगे। ये
यहाँ पे ना ऐसा ढलान है, तो मैं बचपन में जब साइकिल में आता था फुल स्पीड में आता था, मैं इसमें चढ़ाते थे। ये वाला घाट बहुत कठिन घाट हुआ करता था, साइकिल में जब मैं छोटा था तो नहीं सकता था यहाँ चढ़ाने। हाँ आज सब दे रहा हूँ। अरे वे माकड़चुआ का बोर्ड 4.450 किलोमीटर मोर। अरे हमारे गांव में भाई गुपचुप का ठेला लगने लगा है, यहाँ से हमको लेना है टर्न। ओहो मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत दिन बाद आ रहा हूँ बोल के, मैं तो यहाँ रहता हूँ टाइप लग रहा है। हाँ परमानेंट दुकान। हाँ यार क्या लग रहा है गांव, मेरे बिना पूरा वीरान लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि कैसा फील कर रहा हूँ। बस घर को देख के दुख होगा, टूट गया है पूरा खप्पर अप्पर पूरा। अरे यार बनवाएंगे घर, यहाँ पे एक अच्छा सा फार्म हाउस बनवाएंगे। अरे ये टंकी लग गया है भाई यहाँ पे, पहले नहीं था ये सोलर पावर वाला है, नल चल रहा है डायरेक्ट है भाई। अभी दिखेगा भाई, टूट फूट गया होगा, एकदम दुख लगेगा मेरे को देख के। भाई 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 अभी टर्न के बाद में रास्ता तक नहीं बचा है भाई, भाई छोटा सा एक तो कुटिया बचा है भाई। अरे बाप रे ये तो पूरा ब्लॉक हो गया है, यहाँ रखते हैं उधर से जाते हैं जब। भाई ये तो पूरा खतरनाक हो गया है सीन, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उठवाना है मेरे को, ये सबको क्लीन करवाना है, रास्ता तक ब्लॉक हो गया भाई। गुस्सा लग रहा है मेरे को ये सबको देख के। घर है छोटा सा बचा हुआ है, उस हिस्सा को मैं बचा के रखना बोला था एग्जाम को, मेन दरवाजा बचा हुआ है भाई। ओहो मेरा बोझ उसके अंदर मशीन भी है ये देखा, चलो कम से कम बकरी वकरी कोई पाल के रखे हैं तो ये उनको घास मिल रहा है। लोग जो लोग नहीं देखे होंगे तो उन लोग को बता रहा हूँ, पूरा वहाँ से वहाँ तक घर हुआ करता था, भले कच्चे का था, अभी छोड़े हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। रायपुर शिफ्ट होने से लगभग 2 साल पहले ही छोड़ चुके थे हम लोग घर को, बागवाहर शिफ्ट हो गए थे। छोड़ने का देखो क्या हालत हो गई है, बस एक इस रूम को कुटिया जैसा बचा के रखा हुआ है। मैं बोला था राकेश हमारे यहाँ पे चाचा है उनको, हम लोग यहीं पे कैसे तेरा बोर का कनेक्शन खींच के लाए थे याद है, साइड साइड से यहीं से अंदर बोर का कनेक्शन लेके गए थे पूरा पीछे तक बाथरूम तक। बाथरूम तो खैर बिल्डिंग वाला बना दिए थे तो अभी तक वो ठीक ठाक होगा, अंदर का कुछ हाल इतना पूरा टूट गया है, ज्यादा घर तो बचा ही नहीं, दुखद दिख रहा है, बहुत दुखद दिख रहा है। मेन तो मोटरसाइकिल घुसाने के लिए रास्ता नहीं मिला। हाँ ये वो टॉयलेट रूम, ये टॉयलेट आधा ही कंप्लीट हुआ था। हाँ यूज चालू हो गया था, फिर इसको ठीक करना है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, तो इसको तत्काल प्रभाव से ठीक करूंगा मैं। ओ, और ये जो जगह देख रहे हैं ये वो ऊपर तक पूरा इसी का हर, वहाँ ऊपर जैसे अपन लोग चढ़ेंगे ना तो पीछे मैनी नदी है, तत्काल प्रभाव से यहाँ सुधार कार्य करना है। समझ गया, अगर मेरे को 2 तारीख का फ्लाइट नहीं रहता मेरा तो मैं रुक के यहाँ पे इसको बनवाता ठीक करवाता, तो मैं तत्काल सब काम निपटा के आके सबको करवाऊंगा। तो एक तो रूम जो है ना वहाँ हाँ। उसको कम से कम बैठने लायक तो बनवाएंगे। हाँ यार वही तो समझाता हूँ मैं तेरे को, ये हो जाएगा और बोरिंग को चालू कर देंगे, अपना बिजली कनेक्शन है ही। बस मेरे को अभी बहुत दुख भी लग रहा है, गुस्सा भी लग रहा है, मिक्स्ड फीलिंग है, क्या बताऊं ऐसा घर को ऐसा देख के, अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है, दुख भी लग रहा है, क्या से क्या हो गया बोल। नहीं लेकिन सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि अगर तेरा जहां से जड़ है वो जगह, क्योंकि अगर जमीन सही है ना तो ऊपर कभी भी ठीक हो जाता है, वैसे ही है जमीन एकदम अपनी जगह में है, कि ऊपर के कुछ जो तने है ना वो टूटा फूटा है, अभी वो भी ठीक हो जाएगा। यहीं से हम लोग घुसते थे, मैं कई बार दरवाजा खटखटा के आता था, कोई दूसरा नंबर है उनका, बैठ के अंदर लाल चाय पीते थे। फिर जाना है इनके घर के पास है मेरे, इसमें कूद कूद के नहाते थे हम लोग। सोच यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे बे यहाँ पे, और यहाँ पे किचन था, ये जगह में किचन था, यहाँ पे हम लोग, ये तेरा अंदर रूम था पता, यहाँ एसी लगाया था तू, एसी लगाया था, समझ गया, हम लोग एसी में बैठ के ठंडक का आनंद लेते थे और वहाँ पे बैठ के खाते थे और वहाँ से निकलते थे, वो अंदर का हिस्सा है। क्या से क्या हाल हो गया बे, रास्ता है ना ये तो पीछे का हिस्सा है, ये जो है ना ये मेरे पिताजी करवाए थे, ये जो क्या बोलते हैं सीसी, अच्छा ये जो ताकि दीवार ना धस के, हाँ हाँ क्या तो बोलते हैं इसको, हाँ जो भी है ये तो खैर मजबूत है, ये है घर के पीछे का हिस्सा, यहाँ पे मीटर था भी, मीटर को भी कोई चोरी कर लिया है।
लग तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से खंभा तेरे जस्ट सामने है। आजकल यहाँ पर ना पहले तीन ठो तार वाला सिस्टम था। हाँ हाँ, उसी हटा दिए होंगे, उसको अंडरग्राउंड कर दिया। हाँ, बिजली का कोई भी भेजते हैं, लेकिन ऐसा मीटर ही नहीं है। तो थोड़ी देर चिंतामणि को मैं अकेले छोड़ दिया हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता था कि वो ये एहसास करे इस जगह में पहुंचने के बाद, क्योंकि ये एहसास होना भी जरूरी है। तब इंसान को अंदर से दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि मेरे रहते हुए ये स्थिति कैसे आ गया करके। वो अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है, मैं समझ सकता हूँ उसकी भावना, लेकिन ये भावना भी आना जरूरी था। तो अंदर तरफ कुछ ऐसा हो गया है, सब तरफ पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ उगा हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त है। और ये शायद राकेश से लग रहा है, चिंतामणि के एकदम घनिष्ठ है, एकदम जवान हो गए लग तो। आज नहीं बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है, फिर आऊँ मैं। तो सबसे पहले तो ये जो घास फाँस है उसको निकाल देना, ये सबको भी निकाल के ठीक ठाक कर देना। उसके बाद ना हम लोग ये वाला कमरा को बढ़िया से करेंगे, ओके करेंगे शुरुआत में, और को चालू करके बाथरूम को चालू करेंगे। बाकी का काम जो है ना बाद में अपन देखेंगे। अभी मैं ना दिसंबर 15 तारीख तक खतरनाक वो शेड्यूल है, उसके बाद फिर आऊँ, फिर सब लग कर। तो जब तक मैं आऊँ तब तक ये साफ सफाई वाला काम लोग फिर करवा देंगे। कौन करवाया था? अब तो मोर उम्र आदेश देख कर होगी, जवान होगी ना। ठीक है सुदर्शन, पकड़ो इसको, साफ करवा देना वहाँ से, ये सबको साफ कर लेना, और तुम लोग आके बैडमिंटन सब खेलना। हाँ। कोई टेंशन नहीं है। बोरिंग को चालू करवा लेना, बोरिंग तो चालू होगा ना? चालू है, जो भी उसका सर्विसिंग करवाना, एक्स्ट्रा खर्चा जो लगेगा उसको बताना, और बोरिंग का पाइप को जरूरत पड़े तो घर तक ले जाऊंगा। हाँ। बिजली बिल मैं दूंगा, ठीक है। और दूसरा ना ये सबको क्लीन करवा के ये सबको भी थोड़ा सा देखे क्लैक बनाए देवे, ठीक है राकेश करवाए देवे। यहाँ का जो मट्टी नहीं है इसको बढ़िया से बराबर करके, एक्स्ट्रा मट्टी का जो ये नीचे नहीं है, यहाँ जो गड्ढा है वहाँ डाल के प्लेन करके जो है ना वो बाथरूम तक बराबर हो जाएगा। ये हैं मिस्टर डुड्डू, बचपन से देख रहे हैं, बड़े हो गए हैं। और ये हैं सुदर्शन, राकेश का कक्कड़ लड़के हैं, ये भाई लोग हैं, तो इनको जिम्मेदारी क्या है ना, ये नीचे एक गड्ढा है नेठन, वो गड्ढा में मट्टी को इसको डाल देगा ना, तो इसी को डाल के मस्त बराबर करके वहाँ पहुँचते तक जो है ना एक नंबर हो जाए। और ये कोना का घेरा तो है ही है, वो घेरा मस्त से उसके ऊपर ये खप्पर नहीं रहता है, उसी को डाल के राउंड कर देगा। हम लोग का फोटो वीडियो बन जा रहा है पूरा, यहाँ को फार्म हाउस बनाएंगे बढ़िया। चलो ठीक है, इसी में से क्लिक हो जाएगा। तो रायपुर रायपुर तुम लोग आते हो तो फोन कर, चलो तो बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया, मेरे जितना ऊंचा हो गया, और उसका आवाज भी मोटा हो गया। जाना तो था लेकिन अभी नहीं बन रहा है, उधर से रास्ता था, बनेगा तो बन जाएगा। सो मिशन रिनोवेशन घर का चालू, और बहुत जल्दी सब साफ सफाई करेंगे, उसके बाद गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगा, गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगा, सियाज को भी पहुँचाएंगे, मारुति को भी पहुँचाएंगे, आरआर को भी पहुँचाएंगे, और बैठ के लाल चाय पियेंगे। बोले लाल चाय पिए भाई लोग, लाल चाय तो बना देना है ना, इन लोग से बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला रोड को तो क्लियर करके ये यार को साफ कर देना है ना, साफ हो जाएगा। और कुछ लगेगा एक्स्ट्रा और लगेगा तो बताना, मैं पेटीएम कर दूंगा। तो फाइनली अपने घर के लिए इतना ज्यादा अपनापन देके ना मेरे को भी बहुत अच्छा लगा इसका। तो अब ध्यान दिया है, अब सब कुछ अच्छा करेगा, आखिर इसका अपना क्षेत्र है भाई ये। तो भाई लोग देख सकते हो आप लोग, गाड़ी मेरे को यहाँ खड़ी करने पड़े क्योंकि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया। तो सुदर्शन लोग कर देना ये सबको है ना, क्लीन कर देना, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो सीधा गाड़ी घुसना चाहिए। कि इसको गुस्सा लग रहा है मेरा गाड़ी को, कोई बात नहीं लालिमा, अगली बार पूरा घर तक लेके जाऊंगा, खींचना जीतन थोड़ा। तो भाइयों घर का कंडीशन देख के बहुत गुस्सा आया, बाकी कोई बात नहीं, बहुत सारा बात है, इसको तत्काल मैं उसको सेट वेट कराऊंगा। सबसे पहले तो घास वास छील के हटाएंगे और एक कमरा रेडी कराएंगे वहाँ पे, बड़ा घर को बनाने से पहले एक कमरा रेडी कराएंगे, आके बैठ के चाय पियेंगे वहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैनी नदी की तरफ, थोड़ा सा मूड बहुत ही मन व्यथित हो गया है, तो मैनी नदी में जाके थोड़ा सा बैठेंगे, मन को शांत करेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ, गुस्सा भी आ रहा है बहुत, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हो ना, अगर मालिक नहीं रहता है ज़मीन का मालिक, तो लोग कब्जाने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा भी कुछ परिस्थिति है। तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ मैं, देखा जाएगा, बाद में बताऊँगा आप लोगों को। चलिए अभी मैनी नदी चलते हैं, वो तो बांध है भाई, एक नंबर मस्त नजारा। तो बाइक यहीं खड़ी करूं क्या? किधर? इधर इधर, मेरे मैनी नदी के किनारे बाइक चला रहा हूं जितेन, मेरा जिक्सर का रिव्यू मैं यहीं पे लाके बनाया था। एहो, ये है लोकेशन, यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। इधर का लोकेशन तो देख, वहाँ जाके कैंपिंग कर सकते हैं, देखना चारों तरफ से वो है। सुन तो, वो जो जगह है ना
अगर वहाँ पे तू कैंप लगाया तो चारों तरफ से हवा भी ब्लॉक हो जाएगा ठंड के मौसम में। अब चलते हैं नदी के किनारे बैठते हैं। तो फाइनली आज ये नदी भी धन्य हो गया भाई। मैं धन्य हो गया भाई, मैं धन्य हो गया मेरे घर पहुँच के नदी पहुँच नदी क्या धन्य होगा भाई। तो आज हम लोग धन्य हो गए, दोनों धन्य एक साथ पहुँच। वहाँ एक मछली फंसा रहा है। तो कहाँ पे अड्डा जमाना है ऐसा? और जल भी हमारे बहुत पास में। अच्छा, काफी तेजी से बह रहा है पानी, देखे यहाँ तीव्र गति से बह रहा है पलटे। और यहाँ तो भयंकर प्रेशर से आ रहा है पानी। स्प्राइट को निकाल दे, मसाला सब भी लाए हैं, बाद में पियेंगे उसको। जल जीरा बना के हम लोग बहुत क्वालिटी वाले आदमी। अरे डाले की नहीं यार स्प्राइट को यार। ना तो पानी बोतल लेके तो लाए हैं, ज्यादा हुआ तो नदी। नहीं तो तू भी देख रखा है और एक मैं भी रखा हूँ, दो ठी पानी बॉटल है पलटे। तो इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये फ्रेमिंग देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये बाह पसारे खड़ा हुआ था और अपने आगोश में ले लिया स्प्राइट को। बैठना कहाँ? कहीं भी बैठ, यहाँ पे पसार दे। ज्यादा होगा तो इसको बिछा देंगे ना ऐसे, ये सब अगर दर्द देगा तो नीचे का हिस्सा ऐसे कर देंगे ना, पीछे का हिस्सा कहाँ गंदा होगा कि ऐसे कर देते हैं।